मैं असिस्टेंट लोकोपायलट नंदलाल मौर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 5A आर एस अग्रवाल के बुक से सॉल्व करा रहा हूं। ये वर्गमूल तथा घनमूल का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 तक का मैं सॉल्व करा चुका हूं। 5 के आगे मैं 6 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ। ये ट्रिक से ही बताऊंगा कैसे होता है। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा पहले, और ये दिया हुआ है अंडर रूट 9216 प्लस अंडर रूट 12544 करके दिया है। अब यहां से देखिएगा, इसको 9216 ये किसका वर्गमूल है हमको नहीं पता है, तो देखते हैं। देखिए 6 किस में आता है, एक तो आता है आपका 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है, वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो जाए, एक 6 में आता है तो 6 चौक 36 हो जाए। किस किस में आता है? चार का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। अब यहां से क्या करेंगे, लास्ट में आपको 6 आ रहा है, हमको पता नहीं कि 4 लेना है कि 6 यहाँ पुट करना है, तो हमको पहले यहाँ 4 लिख लेते हैं और यहाँ 6 लेते हैं, हमको कंफर्म नहीं है, इसको आप क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे। अब यहां से देखेंगे ये अब किसका वर्ग हो सकता है। देखिए 8 64 9 81 और 10 100 हो रहा है, क्या है 10 100 हो रहा है, तो इसका मतलब आप कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 का वर्ग करेंगे, क्या है 9, इसका मतलब इसका कंफर्म हो गया कि 9 होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 100 हो रहा है तो 9 हो गया। इसके अगली संख्या से गुणा कर देंगे, अगली संख्या से गुणा कर देंगे, हो गया 90। अब इसमें कंफर्म नहीं, देखिए ये आपका छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, तो हमेशा बड़ी संख्या लेंगे, क्या करेंगे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या किसका है 6, बड़ी संख्या लेंगे तो ये बड़ी जो यहाँ होगा उसी संख्या को लेंगे। अब ये बड़ी है, इसका मतलब बड़ी संख्या लेंगे, अगर यहाँ छोटी होती तो छोटी संख्या लेते, क्या एक बार और समझा दे रहा हूं, यहां पर अगर बड़ी संख्या है तो बड़ी वाला लेंगे, अगर इससे ये छोटी होती तो यहाँ छोटी वाला संख्या लेते, तो यहाँ हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो इसका निकालेंगे वर्गमूल क्या है जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 96 इसका आ गया। अब अगला देखते हैं, मान लीजिए इसका नहीं पता है, इसको मिटा देते हैं, इसका नहीं पता है, इसका नहीं पता है, मान लीजिए 12544 दिया हुआ है, इसको देखिएगा लास्ट में क्या आता है, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, या तो 2 का वर्ग होगा और या तो 8 का वर्ग होगा। अब इसमें कंफर्म नहीं है, लास्ट में 4 किस में आ रहा, या तो 8 में आता है या तो 4 में आता है, तो या तो 2 का वर्ग लेंगे, या तो 2 होगा या तो 8, हमको कंफर्म नहीं है, अब यहां अंडरलाइन कर देंगे। अब ये किसका है, 5 25, क्या होता है 5 25 किसका वर्गमूल है ये, सॉरी ये अब यहां देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 144 और 13 169, 12 144 ज्यादा हो रहा है, 11 121 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 10 100, इसका मतलब आपको 10 क्या हो रहा है 10 से ज्यादा। अब क्या देखिए 11 करेंगे तो 11 121 हो रहा है, हाँ सॉरी 1 होगा, यहां पर क्या होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, और 12 कितना हो सकता है 144 होता है, तो यहां से देखिएगा ये 12 144, ये 125 है और ये 144 है, इसका मतलब हमको कम वाली लेना है, यहां से 11 हो गया। अब इसके अगली संख्या से गुणा कर देंगे, अगली संख्या से गुणा कर देंगे, अब गुणा करेंगे तो 12 कम 12 एक हासिल, 12 कम 12 है 13। अब यहां देखिए ये संख्या क्या है, ये संख्या ज्यादा हो रहा है, 125 कम है और 100 इसको गुणा करते हैं तो देखिएगा ये आपका 132 ज्यादा हो रहा है और 125 कम है, तो क्या है जो यहां होगा ये कम है, तो कम वाला लेंगे, कम क्या है 2, तो आपको यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 2 वाला लेंगे, कितना हो जाएगा 2 लेंगे ना, 2 2 4 होता है, 4 आया था ना 2, इसको ही लेते हैं ना, इसका वर्ग करते हैं तो 4 होता है, तो लास्ट वाला देखना है, और इसको 8 8 64 होता है, तो हमको लेना है इसका, इसका वर्ग हुआ था, इसका मतलब यहाँ 4 हो गया
और आपको कौन सी संख्या लेंगे 25। अब कौन लेना है, देखिए छोटी संख्या ना, ये छोटी है तो छोटी वाला यहां लेंगे, और इसका कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, 114 हो गया। आपको इसका वर्ग करने पर निकाल दिया है, क्योंकि जो आपको कम होगा, देखिए 11 ग्रह में 112 ग्रह में 144 हो रहा है, तो आपको 12 नहीं लेना है, 11 लेना है। अब 11 के अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 132 आ जाएगा। अब 132 जब आएगा तो ये देखना है कि 132 बड़ा है कि 100 कौन मतलब इस, अगर यहाँ यहाँ अगर छोटा है तो छोटी वाला लेना है, यहाँ अगर बड़ी आ रही है इससे तो बड़ी वाला लेना है। तो ये क्या है, 132 से ये छोटी है, तो यहाँ से आपको छोटी वाला लेना है, तो आपका 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे हो जाएगा 8 और 9 एक 10, 208। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208। इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। इस तरह से अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, समझ में ठीक है, चलो अगला सात नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर तक का होगा, 7वां देखिएगा, यहां से इसका क्या और क्या करेंगे, इसका सॉरी यहां x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है, इसको आगे इसके आगे से सॉल्व करता है। पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, देखिए 4 8 4, ये किसका हो सकता है, 22 का, क्या है याद रखिएगा, 22 का वर्गमूल है, तो ये अंडर रूट x माइनस 34 बराबर ये हो जाएगा 22 का वर्गमूल है, 484 ये 22 का वर्गमूल है। अब क्या करेंगे, अब यहां अंडर रूट x ऐसे रहने देंगे, इसको हो गया 22 को और इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 34 हो गया। अब यहां अंडर रूट x हो गया, अब यहां से देखिए 6 और 5 2 3 2 5 56, अब x बराबर हो जाएगा 56 का वर्ग, यहां पर वर्ग अंडर रूट लगा हुआ है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसका मालूम नहीं कैसे निकालेंगे, इसको भी देख लीजिए, जैसे जैसे आपका ट्रिक आएगा वैसे वैसे मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं ऐसे बताऊंगा कि ऐसे ट्रिक होता है ये ट्रिक होता है, जैसे क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से सॉल्व कराता रहूंगा। ये 565 इसका वर्गमूल निकालना है, वर्ग निकालना है, कितना होगा नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पहले 6 6 36, इसका 5 25 काट दीजिए, एक संख्या इधर से खत्म करिए, एक संख्या के आगे से लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 2 10, इसका दोनों का गुणा करिए फिर इसका गुणा कर दीजिए, 6 5 30 और 30 2 60, तो यहाँ आप सीधे 60 लिख दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया और 6 5 11 हो गया और 3, आपका वर्गमूल वर्ग निकल आ गया 3 1 3 6। नहीं तो ये वर्ग काटने का निकालने का है, ये वर्ग है, वर्ग का ट्रिक है, क्या किया है मैंने 6 6 36 लिखा, इधर लिखेंगे चाहे जितना एक चाहे जितना भी कोई नंबर हो आप इसको लगा सकते हैं, 102 203 4 चाहे जितना हो ये वाला ट्रिक इससे लगा सकते हैं। इसको क्या करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर इन दोनों का 5 6 5 30 और 30 2 60, सीधे आपको 5 × 6 × 2 का सीधे सीधे गुणा कर देना है, तो 60 हो जाएगा, एक अंक छोड़ के आपको आगे से लिख देना, इसको जोड़िएगा तो आप जोड़ने के बाद 3136 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 8 नंबर, देखते हैं ये देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, आगे से यहां से सॉल्व करता हूं, ये आपका अंडर रूट में है ऐसे रहने दीजिए, क्या करेंगे इसको खोलेंगे, क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ दीजिए तो देखिएगा यहां से क्या करेंगे, यहां क्या है अंडर रूट आपका 5 है माइनस 2 है, ये आपका स्क्वायर हो गया ऐसे। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए अंडर रूट 5, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, यदि अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा पसंद आएगा तो, देखिएगा ये अंडर रूट 5 है स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 का है तो 2 2 4 का वर्ग कर देंगे,
फिर उसके बाद में यहाँ दो ऑलरेडी दिया गया है, अब ए का क्या हो जाएगा अंडर रूट फाइव हो जाएगा, बी आपका दो दिया गया है, इस तरह हो गया। तो इसका देखिए अगर स्क्वायर है तो कर्ण यहां से हट जाएगा, कर्ण ही हट जाएगा, इसका हो जाएगा दो दूनी चार और ये हो गया आपका दो और पांच दूनी दस, ये हो गया पांच दूनी सॉरी ये हो जाएगा क्या हो जाएगा दो दूनी चार हो जाएगा, चार अंडर रूट फाइव, ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे पांच चार नौ माइनस फोर अंडर रूट फाइव। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, क्या है यही सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नाइन माइनस फोर अंडर रूट फाइव बराबर एक्स माइनस फोर अंडर रूट फाइव। इसको लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे, यहां देखिएगा अंडर रूट एट्टी है, इसको लिखेंगे आठ पंचे चालीस कितना सोलह गुड़े पांच लिखते हैं, क्या लिखते हैं सोलह गुड़े पांच, तो सोलह का वर्ग करेंगे चार हो जाएगा आपका, बचेगा कितना सिर्फ पांच। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिएगा ये अस्सी है तो अस्सी को फैक्टर करेंगे चार अंडर रूट फाइव लिख देंगे, ये हो गया। अब यहां से देखिएगा ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो दोनों तरफ कट जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा नाइन, आपका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये हो गया दस आठ नौ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखिएगा नौ नंबर क्या कह रहा है, इसको यहां से सॉल्व करता हूं, देखिएगा क्या है ये अंडर रूट को ऐसे ही जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, ये एक्स प्लस वन स्क्वायर में रहने दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे देखिएगा यहां से सात प्लस वन लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट सात चौक अट्ठाईस, सात चौक अट्ठाईस हो गया। अब यहां से देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं कांडी में लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर हमको इसको सात लिखा हुआ है सात अगर लिखा है तो इसको स्क्वायर इस तरह से कर, इसका मतलब हो जाता है ये सात एक बटे दो और दो ऐसे रह गया तो इसको काट देगा तो क्या हो जाएगा सात, तो इसका मतलब ये हो गया और इसका भी स्क्वायर आपका हो गया। अब ये तुम्हारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहां पर कुछ नहीं है तो वन मानेंगे तो ये हो जाए टू ए बी। अब यहां से देखिएगा ए का मान कितना है अंडर रूट सात हो गया, बी का मान दिया है वन दिया गया है, टू ऑलरेडी है ये ए का मान है अंडर रूट सात है और बी का मान वन है। अब यहां से इसको समझाने के लिए ऐसा किया हूं इस तरह से टूट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग है कट सकता है इक्वल में है। अब क्या बचा आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन बराबर अंडर रूट सेवन माइनस वन, यहां से देखिएगा माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट सेवन। अब यहां से कांडी दोनों तरफ से हट जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा सात। अब यहां अंडर रूट देखिए ध्यान दीजिएगा ये क्या कैसे कटेगा इसको भी समझा दे रहा हूं, ये कांडी कैसे हटता है मान लीजिए ये अंडर रूट एक्स है और ये है अंडर रूट सेवन तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर में एक बटे दो और इसके भी सेवन की पावर में एक बटे दो। अब कैसे हटेगा हटने का तरीका है इसका मतलब इसमें भी दो का गुणा कर दीजिए इसमें भी दो का गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब यहां से ये कट गया और इससे ये कट गया तो एक्स बराबर सात हो जाता है, ये इस तरह से कर्णी से निकलता है इस तरह से हो गया ये एक्स बराबर सात आपका आंसर आ गया। ये नौ नंबर का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं दस नंबर का। दस नंबर का क्वेश्चन है देखिएगा अंडर रूट क्या दिया है एट फोर सिक्स फोर, एट फोर सिक्स फोर प्लस अंडर रूट एक्स बराबर एक सौ दो। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे एट फोर सिक्स फोर इसको ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट में क्या आता है या तो दो का वर्ग करने पर चार हो रहा है या तो आठ का वर्ग करने पर चौसठ, लास्ट में चार मिल रहा है लास्ट में चार यहां मिला है चार, इसका मतलब या तो दो हो जाएगा या तो आठ होगा हमको कंफर्म नहीं है। अब इसका देखिए नौ नौ इक्यासी क्या होता है नौ नौ इक्यासी तो नौ
गुड़े यहाँ देखिए 9 से ज्यादा मतलब आपको 10 धाम 100 हो रहा है, मतलब जितनी संख्या लेना उसका उतनी बार गुणा करना है। क्या करना है, जितनी बार संख्या लेना उतनी बार गुणा करना है। तो 9 लिया, देखिए अगर 10 लेते हैं तो 10 धाम 100 हो रहा है, इसका मतलब 84 से ज्यादा हो रहा है। अब यहां से देखेंगे 9 लेंगे तो 9 9 81 हो रहा है, 9 9 81 हो रहा है। अब देखिए तो इसका मतलब क्या है, ये 84 से कम ही है और ज्यादा नहीं है। इसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे, अगली संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। अगली संख्या से गुणा करेंगे तो इसका तो कंफर्म हो गया, इसका कितना होगा 9। लेकिन अब इन दोनों में टकराव है कि ये बैठेगा कि ये बैठेगा, इसके बगल में नहीं पता है। अब यहां देखिए ये संख्या क्या है, 90 ज्यादा है और ये 84 कम है, तो 84 कम है तो कम वाला लेना है, तो ये हो जाएगा यहां पर 2, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 92 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट x बराबर 102। अब यहां से अंडर रूट x बराबर हो जाएगा 102 माइनस 92, अंडर रूट x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा 0 और 10 मा से 9 निकालेंगे 1, तो x बराबर हो जाएगा, इधर क्या होगा स्क्वायर लग जाएगा, इधर करंडी है इधर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 स्क्वायर, मतलब दो बार लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 100। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है।